हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए, आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं नए राज्य और उनके राज्य के बारे में बात करेंगे। इस समय जो नए नए राजा हुए थे और उनके जो राज्य थे, कहाँ कहाँ पर इन राजाओं का राज्य था, फैला हुआ था, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। क्लास, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा क्लास 7 और हिस्ट्री का जो चैप्टर है वार 2 है। तो ये इससे रिलेट करता है। यहाँ से देखा जाए तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से आपके यूपीएससी में और यूपीपीएससी में, इसके साथ साथ जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं और जो आपका एसएससी का एग्जाम होता है, यहाँ से काफी ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन आपके उठ चुके हैं। तो क्लास, यहाँ से हम टॉपिक से बात करेंगे। यदि हम बात करते हैं नए राज्यों के बारे में, नए राजा और नए राज्यों के बारे में, तो इस प्रकार के राजा और राज्यों के जो उदय की बात होती है, ये उदय होता है 17 सेंचुरी के बाद होता है। 17 सेंचुरी के बाद हमारे भारत के कई सारे हिस्सों में इस प्रकार के राजा और उनके क्षेत्रों का विस्तार होता है। मतलब ये हुआ कि 17 सेंचुरी के टाइम में इस प्रकार के राजाओं के द्वारा उनके राज्य को दोबारा से निर्धारित किया गया, डिसाइड किया गया। जैसे कि चौहान, गुर्जर, प्रतिहार, इनका जो राज्य था ना, वो राज कुछ इस प्रकार से इन क्षेत्र में फैला हुआ था। इन क्षेत्र में इनका पूरा पूरा राज्य फैला हुआ था। बात करते हैं पाल प्रतिहार के बारे में। तो पाल और प्रतिहार का जो राज था, वो राज पूरे इस इलाके तक और यहाँ के इलाके तक पूरा पूरा फैला हुआ था। ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, यहाँ तक हो जाता है और यहाँ के पूरे क्षेत्रों के अंदर इनके ही राज्य का विस्तार देखने को मिल जाता है। यदि चौहान के बारे में बात करते हैं, तो इनका जो बेसिक तौर से जो राज्य था, वो यहाँ के कुछ इलाकों में जैसे कि पंजाब में मिल जाता है और यहाँ पर हरियाणा में मिल जाता है। इनका कुछ इलाका जो था, वह राजस्थान के नॉर्थ पार्ट में भी देखने को मिल जाता है। गुज्जर प्रतिहार की बात करते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के इलाके में फैला हुआ था और राजस्थान के इलाके में फैला हुआ था। इसके साथ साथ ये जो इलाका है, ये एमपी का इलाका है और एमपी के इलाके में भी गुज्जर प्रतिहार का बड़े स्केल पर फैलाव देखने को मिल जाता है। तो बात यह आती है कि जितने भी राजा आप देख रहे हो, इन सभी राजाओं का विस्तार कब से कब होता है, तो वो होता है 7 सेंचुरी से लेकर के 12 सेंचुरी के बीच में। इस प्रकार के राजाओं का भारत के बड़े से क्षेत्र में उदय होना चालू हो जाता है। लेकिन बात यह आती है कि 7 सेंचुरी में इस प्रकार के छोटे छोटे राजाओं का उदय क्यों होता है। किसी भी राज्य के अंदर नए नए राजा तब आते हैं जब उससे पहले वाले राजा का शासन काल धीरे धीरे क्या हो रहा हो, कम हो रहा हो। जरा सोचिए कि आपके घर में आपके बाद, आपके पिता के बाद आपके आप लोग आते हैं, तो आप लोग क्यों आते हो? क्योंकि आपके पिता जो हैं, अब वो उस प्रकार के शासन को चलाने में असमर्थ है जो पहले से चलता हुआ आ रहा था, तो उनकी जगह पर अब आप लोग उनका स्थान ले लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी वही होता है कि जब यहाँ के जो छोटे से इलाके में जो लोग रहते हैं, अब यहाँ का जो पूरा इलाका था उस समय देखा जाए तो बड़े से इलाके में हमारे उत्तर का जो भारत था, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट था। यहाँ पर आपका अशोक साम्राज्य का पार्ट फैला हुआ था और कहा जाता है कि इनका जो इलाका था वो पूरा यहाँ से इलाकों में, इस पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था। लेकिन उनका राज धीरे धीरे कम होता गया और उनके राज्य के अंदर जितने भी छोटे छोटे रजवाड़े थे, राजा थे, उन लोगों ने अपने अपने सिर को उठाना चालू कर दिया। जब ये लोग फैल जाएंगे, जैसे कि आप में 4 भाई, तो आप लोग 4 भाई क्या करते हो, अब बंटवारा कर लेते हो, कहते हो ना कि भाई इतना जमीन तेरा, इतना जमीन मेरा। तो यहाँ पर भी बंटवारा किया गया और सीमाओं को दोबारा से निर्धारित किया गया, डिसाइड किया गया कि कितना सीमा किसके अंडर में रहेगा और कितना सीमा किसके अंडर में रहेगा। तो इसको डिसाइड जो किया गया था, वह 7 से 12 सेंचुरी के बीच में ही किया गया था। इस प्रकार से देखा जाए, इसमें जो नए नए राजा आए थे, उन्होंने अपने राज्य का जो विस्तार किया था, वो थे कुछ इस प्रकार से चौहान, गुज्जर, प्रतिहार, पाल, चालुक्य, राजकूट, चोल, चेर, पांड, ऐसे कुछ राजा थे जो इस समय आने का काम करते हैं। यदि बात करते हैं राजकूट के बारे में, तो राजकूट का जो फैलाव था, ये पूरे के पूरे इस क्षेत्र में फैला हुआ था, जैसे कि महाराष्ट्र में फैला हुआ था और गुजरात के इलाकों में फैला हुआ था। चालुक्य की बात कर लेते हैं, जो चालुक्य का जो पूरा पूरा इलाका था, ये आपका उड़ीसा के क्षेत्र में फैला हुआ था और एक कलिंग का भी इलाका इसी के अंदर आया करता था।
बात करते हैं चोल, चेर और पांड्य के बारे में, तो पूरी तरह से दक्षिण भारत के इलाके में फैला हुआ था। दक्षिण भारत में जो चेर का राज था वह यहाँ पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और थोड़ा सा तमिलनाडु का पार्ट मिल जाता है। जो पांडे थे वो मद्रास में फैले हुए थे, जो चेर थे वो केरला के साइड में फैले हुए थे। तो इस प्रकार से इनके राज्य का विस्तार बड़े से स्केल पर देखने को मिल जाता है क्लास। इसी के साथ हम इसमें हर एक राजा के बारे में विस्तार से बात करेंगे कि इन राजाओं ने अपने राज्य का विस्तार कैसे कैसे किया और कहाँ कहाँ पर इन लोगों ने अपने क्षेत्र को फैलाने का काम चालू किया था। तो इसके बारे में हम हर एक नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे कि नए राज्यों का वंश, जो नए नए राजवंश थे उनका उदय कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तो क्लास ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।